नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। फैजाबाद शहर के केंद्र में स्थित साहबगंज की रामलीला बस्ती गली के निवासी पिछले काफी दिनों से नलों में पानी न आने से त्रस्त हैं। पिछले 10-12 दिन से त्राही त्राही मची है, परंतु नगर निगम प्रशासन को लकवा मार गया है और निगम की हालत भी जीएसटी की तरह हो गई है। न कोई काम हो रहा है, न जनता की परेशानियां दूर हो रही हैं और न ही विधायक सांसद सुन रहे हैं। विधायक जी तो अंतर्राष्ट्रीय विधायक बनने में परेशान हैं, उन्हें सिर्फ अयोध्या से मतलब है, फैजाबाद से कोई मतलब नहीं है। लोगों का कहना है कि हर साल हैंडपंप का पैसा आता है और हड़प लिया जाता है। देखिए जरूरत पर हैंडपंप से इतना गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। इस संदर्भ में जब ट्यूबवेल वाले से बात किया गया तो उसने बताया कि मोटर खराब है, जब बनेगी तो पानी आएगा। इस मौके पर काफी मोहल्लेवासी आक्रोशित होकर मौजूद थे, जिसमें प्रदीप, कृष्ण कुमार, सोनपति, चंदा देवी, सुखदेव आदि प्रमुख थे। इस समस्या कब से बनी है? नवरात्र से बनी। इधर कब बढ़ी ज्यादा? इधर ज्यादा बढ़ी 4-5 दिन से। तो कुछ कोई आया नहीं आपको नगर पालिका से देखने के लिए? कोई नहीं, हम बहुत शिकायत कर रहे हैं, जल निगम से कोई नहीं आया। नोट मांगने आते हैं, उनसे भी यही कहते हैं कि भैया हमको पानी नहीं मिल रहा। सभासद कौन है आपका? है सरोजनी। सरोजनी है तो कभी पूछती नहीं? अगर अरे जब से जीती है तब से आई ही नहीं यहाँ पे, कभी वार्ड में घूमी नहीं, नाली देख लीजिए। तो क्या इस बार आप जो है वोटिंग बीजेपी करेंगी? अगर कोई आएगा वोट से बिल्कुल नहीं देने जाएंगे, वोट से बिल्कुल नहीं देने जाएंगे। क्या फायदा जब नाली ना साफ हो, पानी ना मिले तो क्या फायदा वोट देने से? कहेंगे आप पानी मिलेगा, नाली साफ होगी, ये होगा, कहाँ कुछ होता। क्या नाम आपका है? माया देवी। ये साहबगंज स्थित रामलीला रोड है और यहाँ पर क्या मामला, क्या पानी कब से नहीं आ रहा आप लोगों को? पानी 3-4 दिन से नहीं आ रहा है और जो है सुबह तो एकदम ही नहीं आता, दोपहर में आता है एकदम धीरे धीरे, शाम को भी नहीं आता पानी। अच्छा, पानी आने के समय क्या है? पानी आने के समय सुबह सुबह से है 5 बजे से, लेकिन पानी आता ही नहीं है। जब उठे पानी 5 बजे देते हैं, कितने देते हैं ये टाइमिंग क्या है? ये 5 से 10 रहता है। उसके बाद? उसके बाद फिर 12 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को रहता है 5 बजे से रात के 10 बजे तक, लेकिन फिर भी पानी आता नहीं है। विगत कितने दिन हो गए? कम से कम ये मान के लिए तो उधर तो से नवरात्र से ही ठीक ठाक पानी नहीं आ रहा है। तो इसकी शिकायत आप गए थे? शिकायत यहाँ पंप पे गए थे तो सही बस जानते हैं। पंप कहाँ पर है ये? मैं बता रही कि पंप यहाँ पे एक बदही नगर भी पड़ता है और एक जो है गुलाबबाड़ी का भी पड़ता है। सप्लाई आपको कहाँ से मिलती है? अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बदही नगर से मिलता है, लेकिन हम लोग जानते हैं गुलाबबाड़ी से पड़ता है। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पर? मालूम चलता है कि यहाँ बदही नगर वाले कह रहे हैं कि पंप चल गया है। अगर पंप चल गया तो कब तक बन जाएगा, इसको बताया कुछ? ये कुछ कोई बता नहीं है। क्या नाम आपका है? प्रदीप कुमार जी। तो क्या आपके घर पानी नहीं आता? हैंडपम्प तो है, पर वो जैसे कि आपने बताया कि पीला पानी आता है, पीने लायक तो है नहीं, और जो हमारे बगल में नल लगा उससे हम लोग पानी भरते, पर वो पानी आता ही नहीं। तो सुबह नहाने का टाइम है, पानी है ही नहीं है, 4 बजे का टाइम है और पानी आता ही नहीं है। तो पानी कैसे मिलता है आपको? पानी कभी इस नल से भरे, कभी उस नल से भरे, वही पानी से काम चलाते हैं। रिबोरिंग नहीं हुई क्या? कुछ नहीं हुई। नहीं, रिबोरिंग का तो होता है कि मई जून में हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होता। कोई नहीं आया? कोई नहीं। ये पानी भर के रख दीजिए, पीला हो जाता है पानी। ये 99 से वो लगा हुआ है तब से। तो जो सभासद हैं उनसे आपने शिकायत की इसकी? सभासद कभी यहाँ झांकने नहीं आते हैं, वहाँ जाओ तो दुनिया भर का सवाल पूछते हैं सरोजनी सिंह जी के यहाँ। तो फिर चुनाव होगा, फिर आप उनको वोट दे देंगे ना? यही होगा, चुनाव आएगा उनको तो हम वोट दे नहीं सकते गलती से भी। क्या नाम आपका? दिलीप चौरसिया।
BLO द्वारा मतदाता सूची के पुनर्निर्धारण में काफी घपला किया जा रहा है। ज्यादातर BLO घर बैठे ही क्षेत्रीय BJP नेताओं के दबाव में मतदाता सूची तैयार कर रही है। इसके लिए भाजपा के सभी क्षेत्रीय नेता सक्रिय हैं। इस मतदाता सूची में उन लोगों के नाम ज्यादा हटाए जा रहे हैं जो मोहल्लों में भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस तरह सबसे ज्यादा मोहल्ला नियावा, निवातीपुरा, बहादुरगंज, हनुमान कुंड, साहबगंज, हैदरगंज सहित कई और भी वार्ड हैं। नियावा वार्ड में 300 लोगों का नाम काट दिया गया है। आपके प्रवक्ता समाजीत सिंह ने कहा कि हम लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी किया, परंतु प्रशासन BLO पर दबाव बनाकर सूची ठीक नहीं करा रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वार्डों में काटे गए नामों की गिनती तक बताया। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद तालिब, विजेंद्र श्रीवास्तव, सलीम आदि मौजूद थे। बात आप कर रहे हैं, आपने कहा कि खुद पैसे लगा करके हमें फॉर्म भरा है, तो इनमें किन लोगों के फॉर्म है? ये मेरे साहबगंज जो पुलिस चौकी है, सीताराम स्कूल के पीछे जो कहते हैं एक पूरी छप्पर मुसलमान की पूरी बस्ती है, उसमें से पूरा नाम कटा हुआ है। सिर्फ 5-10 का नाम होगा, पूरा नाम कटा हुआ है। और भी ऐसी लिस्ट में जितने भी नाम कटे हुए हैं, मैंने खुद तो अपने फॉर्म जमा नहीं हो पाया क्या? ये फॉर्म मैं लेके गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं इतना फॉर्म नहीं जमा कर सकता। BLO ने साफ मना कर दिया। क्या नाम है BLO का? BLO का नाम है मुकेश यादव, प्रेम लता, 2 BLO है, 1 BLO का मुझे नाम नहीं याद है, 3 BLO मेरे वार्ड में है। क्यों नहीं लिया इन लोगों ने, कुछ जवाब दिया? BLO ने कहा कि ये फॉर्म इतना ज्यादा अब नहीं हो सकता, जब हम सर्वे करने आए थे तो आप कहाँ थे? अगर उन्होंने सर्वे करा तो मिले होते, पूरे मोहल्ले में आप आके मिल लीजिए। क्या लगता है किसके सहारे नहीं जमा हुआ, किस पार्टी के सहारे ये जमा नहीं हुआ? देखिए मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं एक आम जनता हूँ, मैंने खुद इसलिए अपना काम करा, मैं पार्टी बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि किस पार्टी ने करा। अब ये नहीं हुआ, वो एक अधिकारी है, उनको अपना काम खुद करना चाहिए। पार्टी के दबाव में आकर अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि अधिकारी और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे कोई IAS अफसर किसी मंत्री के दबाव में आके काम करे तो उसका IAS होने का कोई मतलब नहीं है, वो छोड़ दें। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद। ये BLO द्वारा हेरा फेरी जो हुई है और आपके साथ बदतमीजी भी किया है जी शराब पी करके, इसमें कैसे क्या है पूरा अपना मतलब? सर मेरा नाम है ब्रजेंद्र, मैं नियामा वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी प्रतिभा करना तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसा कि पेपर में परसीमन जो शो ऑफ हुआ था उससे उसको चौधरी मानते हुए हमने जो निर्वाचन BLO अधिकारी से लिस्ट ली तो उसमें एक भाग संख्या मेरे नियामा वार्ड में भाग संख्या शो कर रहा है 149, 150, 50, 151, 152। तो जब हमने इसकी मिलान की तो पूरी भाग संख्या 149 इसमें नाम अंकित हैं 1070 नाम, ये दूसरे अंगूरी बाग वार्ड और कंधारी बाजार में इंक्लूड है। तो हमने इसके BLO राजकुमारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमने अभी एप्लीकेशन नायब तहसीलदार को सबमिट कराई, उसकी ये रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाग संख्या 149 हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अब इसमें आपकी मदद से भी इतनी कर सकते हैं कि अगर अंगूरी बाग वार्ड में ये नाम टैली कर रहे होंगे तो वहाँ हम रिसीव करवा देंगे, दूसरा कंधारी बाजार अगर नाम में टैली कर रहे होंगे वहाँ इंक्रीज करा देंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे परसीवन में वो नाम नहीं है तो हम उनके साथ कैसे पैचअप बनवा पाएंगे, या हो सकता है कुछ लोगों का ये निश्चित प्लान रहा हो तो वो उनके ये गैदरिंग में हो तो उनके नंबर आप पीपल्स ज़्यादा हो रहे हैं मेरे कम हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा था इस पर कोई बात हो। फिर हमने जब इसके हमारे 152 के BLO मिस्टर राकेश जी, इस जैसा जानकारी है कि सिंचाई विभाग के, उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कल तक तो कहा था कि मैं आपकी सारी मदद करूंगा, जो नाम कटे हैं आप एप्लीकेशन दीजिएगा, फॉर्म फिल करके हम उनको इंक्रीज़ करा देंगे। सुबह से मैं फ़ोन लगा रहा हूं, वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, उनके संबंधित अधिकारी ने भी फ़ोन दिया उन्होंने पिक नहीं किया और बड़ी उसमें दिक्कत आ रही है। नाम उसमें भी अंगूरी बाग 8 और 9 करके इंक्रीज है जैसे। अच्छा जो BLO है जो इसका हेराफेरी कर रहा है तो क्या लगता है आपको किसके सारे काम कर रहे हैं लोग, क्या कहीं ना कहीं से दबाव में है? नाम तो नहीं कह सकते लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से दबाव में, जैसे मैं एक अधिकारी हूँ तो आप भी आए मैं आपका काम करूँ, वो भी आए मैं काम करूँ, पर्टिकुलर किसी निश्चित लोगों से मिलकर गायब हो जाने का क्या मतलब? अगर वो गैर जिम्मेदार थे तो उनको ये इस तरह की ड्यूटी दी ही नहीं जानी चाहिए थी, अगर उनका बैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। BLO किसी तरह काम कर रहा होगा, इससे क्या है? हम तो यही कहेंगे जो और पार्टियाँ हैं, मैं तो निर्दलीय हूँ, तो जो पार्टियाँ अपने आप को उस क्षेत्र में मजबूत समझती होंगी, जिसका जनाधार होगा, जो अपने आप को महसूस करते होंगी या लास्ट टाइम से वो विनर रहे होंगी, उनके दबाव में वो काम कर रहे होंगे। क्या नाम आपका है? ब्रजेंद्र श्रीवास्तव। किस वार्ड से आप हैं? नियामा वार्ड। सभाजीत जी, अरे भैया यहाँ जो निर्वाचन का अधिकारी है मुस्लिम ही है, क्या उद्देश्य है आज के?
आप उसको मना किया गया है ना, निकाय चुनाव की जो निर्वाचन प्रक्रिया है करना, उसमें मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और घटाने का जो समय चल रहा है, बूथ लेवल अफसर जिनकी जिम्मेदारी है घर घर जाने की और लोगों के नाम, सही लोगों के नाम शामिल हो और जो वोटर लिस्ट में गलत नाम है उनके नाम काटे जाए, लेकिन बूथ लेवल अफसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर जो गैर भाजपाई वोटर हैं जिनको वो कह रहे हैं कि भाजपा वोट नहीं देंगे, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, खासकर जिला प्रशासन और निकाय चुनाव के निर्वाचन आयोग से, कि इस मामले को संज्ञान मिले और जो मतदाता सूची में बढ़ने के पात्र हैं, जिनके नाम बढ़ने चाहिए, वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, कि जिससे निष्पक्ष चुनाव में लोगों को अपने जो वोट देने का जो अधिकार है जो आम आदमी का, उस अधिकार से कोई भी आदमी वंचित न हो। कितने वार्ड ऐसे हैं उसमें जो मेरे पास शिकायत आई है, उसमें जनौरा का भी है, उसमें नियावा का भी है, उसमें साहबगंज का भी है, उसमें बहादुरगंज का भी है, जो हैदरगंज का भी है और रिकाबगंज का भी है, रायगंज का भी है, ऐसे बहुत सारे जो वार्ड हैं जहां पर लोगों ने ये शिकायत भी की है जो है जिला प्रशासन से, हमारे पास भी आए हैं और बहुत सारे लोगों ने तो आवेदन फार्म ये भर के बीएलओ के पास जा रहे हैं कि हम इसको जमा कर लीजिए और वोटर लिस्ट मेरा नाम बढ़ा दीजिए। बीएलओ साफ साफ तौर पर ये मना कर रहे हैं कि मैं आपका नाम मतदाता सूची में इतनी तादाद में नहीं बढ़ा पाएंगे, ये वो मनमानी कर रहे हैं, वो किसी न किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो लोग मतदाता सूची में नाम बढ़ाना चाहते हैं उनके नाम बढ़ाए जाएँ और उनको जो है मतदान से वंचित करने की कोई साजिश न की जाए। तब तक जो है हम सारे जो अधिकारियों के बीच प्रयास करेंगे, अगर ये नाम बढ़ने की व्यवस्था प्रशासन ने सुनिश्चित की तो ठीक है, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जो है आंदोलन चलाएगी। पुराने लिस्ट के मुताबिक और नए लिस्ट में कितने नाम ऐसे गायब हुए होंगे? जो पुराने लिस्ट के मुताबिक है उसमें खाली एक वार्ड आप जनौरा को आप ले लीजिए तो उसमें 300 लोगों के नाम गायब है, यही हाल जो है बहादुरगंज में, यही हाल साहबगंज में, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने आवेदन किया था कि हमारे नाम बढ़ा दिया जाए उनके नाम बढ़ाए नहीं गए तक, और ये कहा जा रहा है कि भाई अब आपका आवेदन हम इतना नहीं ले पाएंगे, तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि स्लिप में मनमानी कर रहे हैं और ये किसी न किसी ये जो है वो इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। फैजाबाद प्रेस क्लब में अखिल भारतीय नौजवान सभा के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष रेशमा बानो घनश्याम, जिला सचिव अवधेश निषाद, सहायक सचिव रवि पांडे चुने गए, साथ ही 17 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस अवसर पर सूर्यकांत पांडे के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। फैजाबाद के प्रेस क्लब में आज अखिल भारतीय नौजवान सभा द्वारा आपको अध्यक्ष पद का पद दिया गया है, और इसमें क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, क्या करेंगे आप? आज जो यहाँ के नौजवान अखिल भारतीय नौजवान सभा ब्रांच कमेटी फैजाबाद की जो है हमें जिला कमेटी जो है हमें अध्यक्ष पद के रूप में जो है सौंपा है फैजाबाद
जिले की बागडोर। हम जो है यहाँ किसानों, मजदूरों, नौजवानों, दलितों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सभी संघर्ष हम करते रहेंगे और सबकी आवाज़ों को बुलंद आपको है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए क्या, किस तरह से मजबूत करेंगे आप, क्या करेंगे संगठन हम मजबूत करने के लिए? जो हमारी मांग है अखिल भारतीय नौजवान सभा की, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त दिलाई जाए, शहीद आजम भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना की जाए, बेरोजगारी समाप्त किया जाए और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को हम बताएंगे कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम साथ में खड़े हैं, हम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले आदमी हैं, तो हमारे विचारों से जरूर हमारे साथ जुड़ेगा और जो जुड़ेगा तो हम उस व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। और जो दोहरी शिक्षा का जो नीति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, गरीबों के लिए अलग अमीरों के लिए, ये भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये समान शिक्षा नीति लागू हो, जिसमें गरीब पढ़े उसमें अमीर पढ़े। जो आप इससे पहले किस पार्टी में थे आप? हम इसी में हैं जब से हैं। स्टेशन के जिला सम्मेलन में आज इन पदाधिकारियों का चयन हुआ और सम्मेलन, विध्वस्त सम्मेलन में ये पदाधिकारी चुने गए और ये नए आदर्शों के साथ, भगत सिंह का रोजगार गारंटी एक्ट जो नौजवानों को के रोजगार के लिए की बात कर रहा है कि भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए और शिक्षा का जो बाजारीकरण है, केजी से पीजी तक की शिक्षा तमाम गरीब छात्रों और नौजवानों को मुफ्त दी जाए, सभी को दी जाए शिक्षा मुफ्त। क्योंकि अगर हम, हमारे पीएम साहब बुलेट ट्रेन तो देश से लाए, जापान से लेके चले आए, मगर वहाँ तमाम नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था है कि वहाँ जो है कोई बेरोजगारी नहीं है, वहाँ केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त है। तो जापान से जो विकसित देश हैं वहाँ केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त है, उस योजनाओं को क्यों नहीं लाते? उस योजनाओं को लागू कराने के लिए मैं अखिल भारतीय नौजवान सभा जिला कमेटी से ये आह्वान करता हूँ कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर अपने जो रोजगार गारंटी, शहीद आजम रोजगार गारंटी एक्ट है, उसकी बात बताएं और उसको लागू कराने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करें। प्रदेश कमेटी उनके साथ पूरी तरह से संघर्षरत रहेगी और इनके कंधों से कंधा मिला। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पूरे शहर में हेलमेट और कागज की चेकिंग कराई गई, जो कि 12 बजे से 4 बजे तक चली, जिसमें अवयस्क बच्चों द्वारा बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर उनका चालान भी किया गया। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।